हेलो एवरीवन, मैं हूँ ईश्वर द्विवेदी। आज का हमारा टॉपिक है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट एजेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक एजेंट, ये वही सब है जो हम अब तक पढ़ चुके हैं, फिर भी एक अलग से क्वेश्चन आता है एग्जाम में कभी कभी। राइट डाउन दी क्लासिफिकेशन ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक एजेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था एंटासिड, फिर हमने देखा था सलाइन कैथेटिक्स। दो चीज़ें और इसमें रह जाती हैं, एक है एसिडिफाइंग एजेंट और एक प्रोटेक्टिव्स एंड एडजॉर्बेंट्स। इन तीनों चीज़ की हम अहमियत समझ लेते हैं। सबसे पहले एसिडिफाइंग एजेंट। एसिडिफाइंग एजेंट जो है, एसिडिफाइंग एजेंट है HCl। ये क्या कब काम आता है? ये हाइपोक्लोरहाइड्रिया की कंडीशन में काम आता है। दैट मीन्स ये HCl जो है स्टमक में, जो HCl की कमी हो जाती है तब यह एसिडिफाइंग एजेंट यूज़फुल है। उसके बाद हमने एंटासिड तो देख ही लिया है। एंटासिड का नाम में ही इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है। एंटासिड्स मीन्स एंटी एसिड, जो एसिड के अगेंस्ट काम करे। इसका क्लासिफिकेशन हमने देखा था, आपको याद हो तो, इसमें सिस्टेमिक, नॉन सिस्टेमिक और कॉम्बिनेशन। नॉन सिस्टेमिक के अंदर था सोडियम बाइकार्बोनेट और नॉन सिस्टेमिक के अंदर था एल्यूमिनियम कंटेनिंग, कैल्शियम कंटेनिंग और मैग्नीशियम कंटेनिंग। उसके बाद हमारा आ जाता है प्रोटेक्टिव्स एंड एडजॉर्बेंट। इनका काम क्या होता है? ये जो है हमारे इंटेस्टिनल म्यूकोसा पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, जिसकी वजह से जैसे डायरिया जैसी प्रॉब्लम्स होने की वजह से उसमें राहत मिलती है। और इसके अलावा जो हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस या जो भी ऐसे टॉक्सिन्स हैं, उन्हें ये क्या करते हैं, एडजॉर्बेंट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं एक्टिवेटेड क्ले, एक्टिवेटेड चारकोल, लाइट केओलिन और बिस्मथ सॉल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सलाइन कैथेटिक्स, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके दो टाइप हैं, माइल्ड और स्ट्रॉन्ग। माइल्ड के अंदर भी दो थे, एक था हमारा बल्क प्रोड्यूसिंग और दूसरा था स्टूल सॉफ्टनर। स्ट्रॉन्ग के अंदर भी हमने दो देखा था। स्ट्रॉन्ग के अंदर एक था स्टिमुलेंट ऑब्लिक इरिटेंट या ऑस्मोटिक। चलिए, यहाँ हमारा ये GI एजेंट का क्लासिफिकेशन समाप्त होता है। अब इसे मोटा मोटा फिर से हम देख लेते हैं। इसके जो अंदर जो हमने एंटासिड देखा था और सलाइन कैथेटिक देखा था, उसे हम फिर से देख लेते हैं। एंटासिड के मैंने दो टाइप बताए हुए थे, एक सिस्टेमिक और नॉन सिस्टेमिक। सिस्टेमिक जो सिस्टम में आसानी से एब्जॉर्ब हो जाए, वाटर सॉल्युबल है। नॉन सिस्टेमिक जो सिस्टम में आसानी से एब्जॉर्ब ना हो, ये वाटर इनसॉल्युबल है। एग्जाम्पल सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके अलावा एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड कॉम्बिनेशन एंटासिड एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम की वजह से होता है कॉन्स्टिपेशन और मैग्नीशियम की वजह से होता है लैक्सेटिव इफेक्ट। इन दोनों को कॉम्बिनेशन में देने से ये एक आइडियल एंटासिड का काम करता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। कैथेटिक्स के अंदर मैंने आपको बताया था दो, एक माइल्ड और एक स्ट्रॉन्ग। माइल्ड को हमने लैक्सेटिव कहा था और स्ट्रॉन्ग को हमने परगेटिव कहा था। माइल्ड के अंदर हमने बताया था दो, एक बल्क प्रोड्यूसिंग, उसका एग्जांपल इसबगोल, अगर, CMC, और एक दूसरा था स्टूल सॉफ्टनर। बल्क प्रोड्यूसिंग क्या करता था? ये स्टूल के बल्क को बढ़ाता था और वाटर कंटेंट बढ़ाता था। इसके अलावा स्टूल सॉफ्टनर क्या करता था? ये स्टूल को पेनिट्रेट करके उसमें अंदर जाकर वाटर कंटेंट बढ़ाता था और उसकी वजह से स्टूल सॉफ्ट होने से आसानी से इवैक्यूएशन हो जाता था। ये हमारा हो गया माइल्ड। अब देखते हैं स्ट्रॉन्ग की तरफ। स्ट्रॉन्ग के अंदर हमने देखा था दो, एक इरिटेंट, ये क्या करता था, हमारे इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को बढ़ाता था, इसकी वजह से इवैक्यूएशन आसान हो रहा था। एग्जांपल है, आप देख ही रहे हैं, सेन्ना, एलोए, रुबाब। इसके अलावा सलाइन ऑब्लिक ऑस्मोटिक, ये क्या करता था, ये इंटेस्टाइन के अंदर इसके ऑस्मोटिक लोड को और वाटर कंटेंट को बढ़ाता था या रिटेन करता था वाटर को, इस वजह से स्टूल आसानी से इवैक्यूएट हो सके। इसके भी एग्जांपल थे सोडियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर कंटेनिंग, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स थे जो सलाइन ऑब्लिक ऑस्मोटिक कैथेटिक्स के अंडर आते थे। ये हमारा यहाँ आज तीन टॉपिक हमने कवर किया है। फिर से आपको मैं बता देता हूँ, हमने देखा है क्लासिफिकेशन ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट एजेंट, इसके अंदर देखा एसिडिफाइंग एजेंट, एंटी एसिड, प्रोटेक्टिव्स एंड एडजॉर्बेंट, सलाइन कैथेटिक्स। इसके अलावा हमने फिर से इसी एंटासिड को दोबारा से देखा और सलाइन कैथेटिक्स को फिर से देखा। ये देखिए, ये एंटासिड्स का पूरा क्लासिफिकेशन है और ये हमारा कैथेटिक्स का पूरा क्लासिफिकेशन है। आज का वीडियो हमारा यहाँ समाप्त होता है। थैंक यू सो मच, आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।